हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दोस्तों बहुत से बच्चे नबार्ड ग्रेडे की तैयारी कर रहे हैं नबार्ड ग्रेडे 2022 ऑलरेडी आउट है आप जानते हो ठीक है और नबार्ड ग्रेडे की जब आप तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ आपको दिमाग के अंदर रखनी है कि सीट्स तो देखो बहुत कम है ठीक है एंड ज़्यादातर बच्चे नबार्ड ग्रेड ए के अंदर काफ़ी सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के, के अंदर अप्लाई करते हैं जन जो जनरल पोस्ट हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी जनरल पोस्ट के अंदर अप्लाई करते हैं और जनरल पोस्ट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बहुत एक इम्पॉटेंट रोल प्ले करता है और अगर आपने एग्रीकल्चर से पढ़ाई नहीं की है ग्रेजुएशन आपकी एग्रीकल्चर के अंदर नहीं है तो जाहिर सी बात है दिक्कत अपने को आएगी क्योंकि अपने लिए एक नया सब्जेक्ट है और नए सब्जेक्ट को जब हम करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट नहीं है किताबें पढ़ ली नोट्स पढ़ लिए वीडियोज़ देख लिए उससे सिर्फ बात नहीं बनेगी बात बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है बेटा ठीक है कम से कम आपको टू से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और एग्रीकल्चर एक सेक्शन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डर आता है बाकी के सेक्शन फिर भी बच्चे मैनेज कर लेते हैं ई एस आई का सेक्शन मैनेज कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस मैनेज कर लेते हैं राइटिंग को भी मैनेज कर लेते हैं लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्शन है जिसको मैनेज करना सबसे बड़ा सबसे मुश्किल काम जो है वो लगता है इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ आप पर 2000 प्लस एम कोर्स लेकर के आया हूँ इसके अंदर आपको हर क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशनस प्रोवाइड किए जाते हैं कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस इसका मैंने रखा है बिल्कुल भी ये एक्सपेंसिव प्राइस इसका नहीं रखा है देखो प्राइस इसका 599 का रखा गया है 2000 से ऊपर आपको इसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे एग्रीकल्चर के अंदर और इसके अंदर फाइव नाइन्टी पे भी अभी हम थर्टी uh, डिस्काउंट दे रहे हैं अर्ली थर्टी और देखो हो सकता है कि हर बच्चा डिस्काउंट लगाने के बाद अराउंड चार सौ का कोर्स पड़ता है आपको हर बच्चा फिर भी पे नहीं कर पाता अगर आपको पे करने में फिर भी कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आए आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है मैं अपना पर्सनल जो टेलीग्राम लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अभी मिल जाएगा जो हमारा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम का चैट ग्रुप बना हुआ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा साथ के साथ आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर ठीक है तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की दिक्कत है पेमेंट करने के अंदर तब भी हम उसका सलूशन निकालेंगे मैं ये चाहता हूँ कि आप ये कोर्स को करो ठीक है मैं मेरा मेन ये कंसर्न है कि आप ये कोर्स को करो अगर पैसा नहीं है देने को कोई चिंता नहीं है अपन लोग मैनेज करेंगे उसको कैसे भी ठीक है वो कोई टेंशन नहीं है आपको बस व्हाट्सएप कर देना है और राइट और आप कोर्स को लो या कोर्स को परचेज करो उससे पहले आपको अगर कोई दिक्कत हो किसी भी तरह की कोई शंका हो तो उसको रिजोल्व करने के लिए ना मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्री सैम्पल टेस्ट का जो हमारा जो मेन 2000 प्लस कोर्स का बेसिकली uh, 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 उसी में से क्वेश्चंस निकाल के एक सैंपल टेस्ट मैंने बनाया ताकि आपको क्वालिटी ऑफ़ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है वो पता चल जाए और किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो ये नंबर आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है आप कभी भी इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के बिना किसी शंका के अगर कॉल पर बात करनी है तो कॉल भी हम शेड्यूल कर लेंगे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें हम टाइम सेट कर लेंगे और कॉल के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे अब इस वीडियो से हम एक नया आ, एरिया भी शुरू करने वाले हैं क्योंकि पेपर पास है अगर सात सेप्टेम्बर को आपका पेपर है तो उसके अंदर बहुत सारे करंट के क्वेश्चंस भी आते हैं नबार्ड के अंदर रिपोर्ट्स वगैरह में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ठीक है एग्रीकल्चर स्पेसिफिक जिसकी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के डाटा बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर एग्रीकल्चर का डाटा कहां से करें तो एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बेटा एग्रीकल्चर एट अ ग्लान्स ये हर साल सरकार एक रिपोर्ट निकालती है ठीक है जब हम अन अकेडमी के ऊपर पढ़ रहे थे जब मेरी अन अकेडमी के ऊपर क्लासेज हुआ करती थी तो पिछले साल हमने तब 2020 की रिपोर्ट की थी अब हमारे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2021 की है इस रिपोर्ट के अंदर अपने को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने को बहुत सारा कंटेंट मिलता है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी स्टेट कौन सी क्रॉप का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन सी स्टेट में इरीगेशन पोटेंशियल ज़्यादा है येल्ड ज़्यादा है ठीक है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर क्या इरीगेशन है ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इस सारे डाटा में से हमने एम भी प्रिपेयर किए हैं एम आपको 2000 प्लस एम कोर्स के अंदर एग्रीकल्चर एट लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन से वहाँ पर मिल जाएंगे सारे के सारे जो भी प्रॉबेबल एम uh, सी बनते हैं उस रिपोर्ट में से 400 से ऊपर पेज की रिपोर्ट है तो अभी पढ़ने मत बैठ जाना उसको और उसमें बहुत सारा डाटा है मैं समराइज़ करके आपके लिए डाटा लेकर के आऊँगा तो आपको उसमें फालतू मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं तो उसको हम यहाँ पर थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब के अंदर लेक्चर्स में फटाफट से अराउंड हमारे कम से कम आप ये लगा करके चलो पंद्रह से बीस लेक्चर रहेंगे उसके लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं बनाऊंगा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स थर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स इस तरह के लेक्चर्स रहेंगे ओके okay? एंड वो तो आपको मिल ही जाएगा साथ के साथ आपके एम जो है वो एम कोर्स के अंदर है तो वो एम कोर्स ज़रूर लेना है पैसा नहीं है पैसा पे, पे करने में दिक्कत है तो वो मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें जो पे कर सकते हैं जिनके अंदर ये चार सौ उन्नीस रुपये पे करने की अभी कैपेबिलिटी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पे करें ठीक है अननेसेसरिली अगर आप पे कर सकते हो उसके बाद भी अगर आप कहोगे क्योंकि मैं आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगूंगा आपने मुझे मैसेज कर दिया कि सर मैं नहीं पे कर सकता या मैं नहीं पे कर सकती आई विल एक्सेप्ट योर वर्ड मैं उसके अंदर आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे को प्रूफ दो कोई कि तेरे अंदर पेइंग कैपेबिलिटी नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आपको अपना कंसाइंस uh, uh, जो है अपना रखना है अपने uh,

जैसे हेक्टेयर से एकड़ एकड़ से हेक्टेयर ये जनरली क्वेश्चन पेपर के अंदर वो पूछता है और ये कन्वर्जन टेबल से आप ये लेकर के चलो कि आसानी से आपके एक या दो क्वेश्चन अगर आपने ये वीडियो अच्छे से कर ली तो एक या दो क्वेश्चन आपके इसी पर्टिकुलर टेबल से निकल जाएंगे अच्छा टेंशन और दूसरी ये भी लेने की जरूरत नहीं है कि ये नोट बनाना अभी नोट्स बनाने की टेंशन मतलब क्योंकि पेपर पास है वैसे तो इंसान को खुद नोट्स बनाने चाहिए मैं उसी को प्रमोट करता हूँ लेकिन पेपर जब इतना पास है तो अब आपको पी डी एफ मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा इस लेक्चर के बाद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो टेलीग्राम का चैट ग्रुप है ठीक है चलो फटाफट से देखते हैं सबसे पहले लेंथ में कन्वर्जेंस देखते हैं एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं एक किलोमीटर में बेटा हज़ार मीटर होते हैं ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है अब किलोमीटर से माइल किलोमीटर से माइल्स एक किलोमीटर से जनरली अगर आप प्लेन में ट्रेवल करते हो ना तो प्लेन में वो माइल्स के अंदर बताते हैं है ना तो एक किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं पॉइंट सिक्स टू वन फोर माइल्स होते हैं ठीक है होते हैं. अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछ लू कि एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं वैसे तो यहां पर हमने टेबल में बनाया हुआ है कि एक माइल में वन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन किलोमीटर होते हैं पर फॉर एग्जाम्पल आपको सारा याद करने की जरूरत भी नहीं है आप सिर्फ एक किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं ये याद कर लो ठीक है अब मैंने बोल दिया कि यार वन किलोमीटर किलोमीटर होते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे वन डिवाइडेड बाय मैं पॉइंट सिक्स टू वन फोर को उठाकर यहाँ पर ले जाऊंगा ठीक है तो वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट सिक्स टू वन फोर कर दूंगा तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा मेरे को एक माइल आ जाएगा मेरा जो आएगा वन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन किलोमीटर सिमिलरली एक मीटर में कितने यार्ड्स होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर यार्ड बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम एग्रीकल्चरल लैंड की बात करते हैं तो दैट इज वन पॉइंट जीरो नाइन थ्री सिक्स यार्ड कितने यार्ड हो गए बेटा वन पॉइंट जीरो नाइन थ्री सिक्स यार्ड ये जितनी डेसीमल वैल्यू यहाँ पर गिवन है इतनी डेसीमल वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार वो क्या करेगा कई बार वो बहुत माइन्यूट डिफ्रेंसेज रख देगा ऑप्शंस uh, के अंदर उसके ऊपर यकीन मत करना ना बाढ़ के ऊपर पेपर बनाने वाले के ऊपर यकीन मत रखना कि वो आपके साथ भाईचारा निभाएगा कई बच्चे कहते हैं सर मैं सिर्फ 1.09 समथिंग याद रख लेता हूँ हो जाएगा कई बार वो क्या करेगा वो इस तरीके से दे देगा ऑप्शन ए 1.0936 ऑप्शन बी दे देगा 1.0836 ऑप्शन सी दे देगा 1.0636 इस तरीके से इतने क्लोज ऑप्शन भी वो दे सकता है तो उससे कोई वफा की उम्मीद मत रखना ठीक है वफा सिर्फ और सिर्फ अपनों से ही उम्मीद रखो वो तुम्हारा अपना नहीं है ये याद रखना और अपनों से भी नहीं रखनी चाहिए वैसे तो वन मीटर में कितने फीट होते हैं थ्री पॉइंट टू एट जीरो अगर अब मुझे एक फीट में कितने मीटर होते हैं वो भी मैं कैलकुलेट कर लूंगा बिना किसी दिक्कत के ओके okay, एक माइल में कितने यार्ड्स होते हैं एक माइल में वन सेवन सिक्स जीरो होते हैं एक माइल में वन सेवन सिक्स जीरो होते हैं एक यार्ड में कितने मीटर हैं पॉइंट नाइन वन फोर फोर मीटर होते हैं एक फुट में कितने मीटर होते हैं एक फुट में बेटा पॉइंट थ्री जीरो फोर एट मीटर होते हैं अब देखो ये जो टेबल है ना आपको ऐसा लगेगा कि सर ये इतने सारे नंबर कैसे याद होंगे ये एक बार में याद नहीं होंगे बेटा ठीक है ये एक बार में याद नहीं होंगे इनका तो आप प्रिंट आउट निकाल करके या कागज़ पे लिख करके अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो अपनी दीवारों पे चिपका लो जहां पर भी बैठ करके पढ़ते हो एक एक जब भी एक घंटा पढ़ाई करने के बाद दो मिनट खड़े होते हो ना कुर्सी से या जब भी एक मिनट दो मिनट का ब्रेक लेते हो हल्की सी चार्ट के ऊपर नजर मार लो उस तरीके से दिमाग के अंदर ये चिपकेंगे एक बार में रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो ये सारे नंबर जो है वो उलझ जाएंगे ओके नेक्स्ट एरिया पे आ जाओ एरिया जैसे हम जब लैंड वगैरह की बात करते हैं ना कि भाई लैंड साइज की बात करते हैं तो एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है और इसमें से काफी क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा चुके हैं एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होते हैं एक किलोमीटर स्क्वायर में बेटा सौ हेक्टेयर जगह होती है एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर जगह होती है सौ हेक्टेयर जगह होती है और स्क्वायर माइल में अगर देखें एक किलोमीटर स्क्वायर में तो स्क्वायर माइल में पॉइंट थ्री एट सिक्स वन होते हैं और अगर मैं एकड़ की बात करूं, तो एक किलोमीटर स्क्वायर में टू फोर्टी सेवन पॉइंट वन जीरो फाइव एकड़ होते हैं एक किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर एक किलोमीटर स्क्वायर में 0.3861 स्क्वायर माइल और एक किलोमीटर स्क्वायर में 247.105 एकड़ होते हैं फिर बात करते हैं एक मीटर स्क्वायर में कितना एरिया होता है एक मीटर स्क्वायर में बेटा होता है एक स्क्वायर स्क्वेयर ठीक है पॉइंट मीटर स्क्वायर में नाइन स्क्वायर फिट एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं ये क्वेश्चन नबाद के अंदर पूछा जा चुका है बेटा नबार्ड के अंदर भी पूछा जा चुका है आईबीपीएस के अंदर भी पूछा जा चुका है कि एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लो इजीली मिल जाएगा टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर होता है एक हेक्टेयर में टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर होता है एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं ये भी पेपर के अंदर पूछा जा चुका है टू पॉइंट फोर सेवन वन वन एकड़ ये ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है ये तीन चार पी डी एफ पेजेस हैं आपके अगर आपने ये याद कर लिए तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है लेकर के चलो कि पक्का है चाहे वो प्रीलिम्स में आए चाहे वो मेन्स में आए एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ एक स्क्वायर माइल में 2.591 किलोमीटर स्क्वायर ठीक है एक स्क्वायर माइल में कितना हो गया आ, वन किलोमीटर स्क्वायर अब देखो ये दोनों याद करने की तो जरूरत नहीं है ना अगर मुझे एक किलोमीटर स्क्वायर में याद है कि पॉइंट थ्री एट सिक्स स्क्वायर माइल है तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि एक स्क्वायर माइल में कितना किलोमीटर स्क्वायर है तो मुझे कुछ भी नहीं करना वन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट थ्री एट सिक्स वन कर दूंगा तो एक वैल्यू याद कर लो एक वैल्यू चाहे एक स्क्वायर माइल में कितने किलोमीटर स्क्वायर हैं, ये याद कर लो या ये याद कर लो कि एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने स्क्वायर माइल हैं। सिमिलरली एक हेक्टेयर में टू पॉइंट फोर सेवन वन वन एकड़ है और एकड़ में 0.4047 फोर जीरो फोर सेवन हेक्टेयर है अगेन या तो एक हेक्टेयर तो में कितने एकड़ हैं ये याद कर लो या एक एकड़ में कितने हेक्टेयर हैं ये याद कर लो एक एक, एक एक एकड़ में मीटर स्क्वायर कितने होते हैं एक एकड़ में बेटा फोर जीरो फोर सिक्स पॉइंट एट सिक्स मीटर स्क्वायर होते हैं स्क्वायर यार्ड की बात करें तो एक एकड़ में फोर एट फोर जीरो स्क्वायर यार्ड होते हैं एक स्क्वायर यार्ड की बात करें तो इसमें नौ स्क्वायर फीट जगह होती है एक स्क्वायर यार्ड में मीटर स्क्वायर में पॉइंट एट थ्री सिक्स वन मीटर स्क्वायर जगह होती है और एक स्क्वायर फुट में पॉइंट जीरो नाइन टू नाइन मीटर स्क्वायर जगह होती है ठीक है इजी सी कहानी है याद ही करना है बेटा देखो अल्टीमेटली आपको नंबर्स को लर्न करना पड़ेगा और इनके अंदर ना ज़्यादा ट्रिक और टेक्निकों में मत पड़ना कहीं आपको ना एक दो ट्रिक के मिल जाएंगे गूगल करोगे या कहीं इधर उधर देखोगे तो ट्रिक मिल जाएगी पर मेरा एक्सपीरियंस ये है और अल्टीमेटली जो बच्चों के साथ हम कांटेक्ट करते हैं वो ये है कि ये ट्रिक्स काम नहीं आती है पेपर के अंदर बच्चा बिचल जाता है हो जाता है मैं आपको एक बात बताऊं ये जो ट्रिक्स और टेक्निक्स होती है ना आजकल वो निमोनिक वगैरह बना करके वो जो याद करने के तरीके होते हैं वो अल्टीमेटली काम तभी करता है जब आपने एक आधी चीज़ के लिए उसको किया हो अगर आपने सौ चीज़ें हैं याद करने वाली हर के लिए कोई ना कोई निमोनिक बना रखा है तो वो सौ फैक्ट याद करने ज़्यादा आसान है वो सौ निमोनिक याद रखने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं अल्टीमेटली uh, बच्चे खुश तो बहुत हो जाते हैं तभी ऑनलाइन टीचर वगैरह जो हैं या वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वो देते भी हैं क्योंकि बच्चों को खुश करना होता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं उसको देख के अरे वाह 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 ट्रिक सुना दी जैसे बचपन में हमारे बचपन में क्या होता था गली में बंदर आया करता था ना मदारी और बंदर आया करता था कि बंदर की उछाल लगा कर छलांग लगा करके दिखा दी तो बच्चा खुश होकर के ताली बजाता था ठीक है वही वाला हिसाब हो रखा है आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर कि बस जो है गुलाटियाँ मार मार के हम दिखा देते हैं एंड अल्टीमेटली बच्चा खुश हो जाता है लेकिन पेपर के अंदर कोई उसकी यूजफुलनेस होती नहीं है वेट आ जाओ ये तो आसान है एक टन में हज़ार के के जी होते हैं बेटा ठीक है एक टन अब यहाँ पर क्विंटल मिसिंग है एक क्विंटल भी याद रख लेना एक क्योंकि ये वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो एक क्विंटल में बेटा हंड्रेड के होते हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक टन में कितने हो गए एक टन में दस क्विंटल हो गए ठीक है ना एक क्विंटल सौ के का है तो एक टन में दस क्विंटल हो गया अब एक तो हम जो इंडिया के अंदर यूज करते हैं टन उसमें हजार के आ जाता है एक ना जो हमारा टन है और जो यूएस में टन यूज होता है उसके अंदर डिफरेंस है हमारे टन के अंदर तो हजार के जी है लेकिन जो यूएस टन है उसके अंदर ज़्यादा वेट होता है हमारा एक टन यूएस टन के 1.1023 है ठीक है तो आप ये लगा लो कि कितने के जी हो गए 1.1023 को इनटू अगर आप थाउजेंड करोगे तो कितना आएगा इट विल कम आउट टू बी वन वन जीरो टू पॉइंट थ्री एक हजार एक सौ दो तो हमारा जो टन है वो यूएस टन से कम है एक यूएस टन को अगर हम अपने वाले टन में कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है ये तो आप कर ही लोगे ओके okay, उसके बाद वन एच जी नाउ वट इज़ दिस एच जी एच जी क्या होता है भाई कैन एनी वन टेल मी व्हाट इज एच जी कमेंट सेक्शन के अंदर बताने की ज़रूर कोशिश करना वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोचो कि ये एच जी क्या होता है वेट के अंदर एच जी होता है बेटा हेक्टोग्राम एक हेक्टोग्राम में सौ ग्राम होते हैं ठीक है एक हेक्टोग्राम में कितने होते हैं सौ ग्राम एक किलो में कितने होते हैं एक किलो में होते हैं, हैं? हजार ग्राम। तो मैं ये सकता हूं कि एक किलो के अंदर दस हेक्टोग्राम होते हैं ठीक है अगर हम पाउंड में देखें जो लोग जिम बिम जाते हैं जनरली इंडिया के अंदर ज्यादा वेट्स में तो नहीं लेकिन जिम बिम जाते हो तो जो प्रोटीन के डब्बे आते हैं उनका जो वेट होता है वो पाउंड में होता है तो एक किलो हमारा 2.2046 पाउंड होता है अगर हम आउंस देखें तो एक किलो में 35.274 आउंस आता है एक एल ये तो वही चीज़ हो गया किलो और एल और एल uh, और के तो वो आप इजीली कर सकते हो सिमिलरली के और आउंस और आउंस और ग्राम ये भी आप इजीली कर सकते हो ठीक है तो एक याद कर लिया तो बाकी अपने आप यहाँ पर भी याद हो जाएंगे फाइनली बेटा ये यूनिट्स हैं ये तो आसान है एक करोड़ में कितने मिलियन होते हैं दस मिलियन एक मिलियन में दस लाख होते हैं ठीक है तो एक करोड़ में कितने मिलियन मिलियन हो हो गए million हो गए लाख तो आप जानते ही हो कि इस तरीके से हम लिखते हैं और एक बिलियन में कितना होता है एक बिलियन में आपके हजार मिलियन होते हैं एक बिलियन में कितने होते हैं हजार मिलियन होते हैं ठीक है ये भी आपने ध्यान में रखना है चलिए अभी के लिए इतने ही अगली वीडियो के अंदर और इस तरह का डाटा करेंगे एग्रीकल्चर अ लास्ट जो रिपोर्ट है पूरे का पूरा एग्रीकल्चर का डाटा आपके पास आ जाएगा उसके अंदर 10-15-20 वीडियोस उसकी बनेंगी तो सब्र रखिएगा कोशिश रहेगी आज ये जो वीडियो अपलोड हो रही है ये आपकी अपलोड होगी 26 जुलाई को तो कोशिश रहेगी कि थर्टीएथ जुलाई तक आपको इसकी सारी वीडियोज़ मिल जाएँ पंद्रह बीस पच्चीस तीस जितनी भी वीडियोज़ बनेंगी वो सारी मिल जाएँ पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है जो एमसीक्यू कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है फ्री सैंपल टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय